आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ से महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से संबंधित विशेष टीका उत्सव के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से की वार्ता। कहा, अधिक से अधिक कराएं टीकाकरण, संक्रमण पर लगाएं लगाम। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी ने लोगों से की अपील। कहा, शादी समारोह और त्योहारों पर बरते सावधानी, कोरोना संक्रमण पर लगाएं लगाम। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट ने किया दवा मंडी भालोटिया मार्केट का निरीक्षण। दवा कारोबारियों को किया जागरूक। कहा, मंडी में कराएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम संबंधित बैठक। कहा, निजी अस्पतालों में किया जाए बेड की व्यवस्था, न होने पाए ऑक्सीजन की कमी। नाइट कर्फ्यू के पहले ही दिन एसएसपी ने सड़क पर उतरकर लिया कर्फ्यू की स्थिति का जायजा। नागरिकों से की अपील। कहा, नाइट कर्फ्यू का करें पालन। हाइब्रिड मोड में संपन्न हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह। ऑनलाइन शामिल हुई कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल। कहा, उपाधि के बाद भी है चुनौतियाँ। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया नंदा नगर स्थित टीबी हॉस्पिटल का निरीक्षण। कहा, सोमवार से हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की भर्ती होगी शुरू, होगा बेहतर इलाज। गोरखपुर में सोमवार को मिले 522 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 24,396। अब तक 374 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 2,482 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सहजनवा और गीरा थाना क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। कहा, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। रात्रि कर्फ्यू में बदली नवीन महवा मंडी की व्यवस्था। मंडी सचिव ने कहा कि मंडी में स्थापित किया गया है कंट्रोल रूम। सीसीटीवी से होगी निगरानी। आवश्यक वस्तुओं पर नहीं होगी किसी तरह की रोक। दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाते ही मेधावियों के खिले चेहरे। अपने गुरुजन, माता पिता और मित्रों का जताया आभार। कहा, जनसेवा में करेंगे अपनी सहभागिता। जनपद में जिला अस्पताल सहित 145 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के उम्र के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, 16,000 वैक्सीनेशन का रखा गया है लक्ष्य। वैक्सीनेशन से नहीं हुई किसी को कोई दिक्कत। नवरात्रि पर्व के मद्देनजर सजने लगी महानगर की सभी देवी मंदिरें। मास्क के साथ एक बार में 5 श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। सोशल डिस्टेंस का करना होगा पालन। महापौर ने कहा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें श्रद्धालु। रात्रि कर्फ्यू में सब्जियों के दामों पर नहीं पड़ रहा है असर। नवीन महवा मंडी में आलू 12 रुपए तथा प्याज बिक रहा है 15 रुपए किलो। आढ़तियों ने कहा, आवक है भरपूर, रहे निश्चिंत, नहीं बढ़ेंगे सब्जियों के दाम। नववर्ष के पूर्व संध्या पर राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में भव्य आरती एवं दीप प्रज्वलन का हुआ आयोजन। लोगों ने एक दूसरे को दी हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची खोराबार एफसी, एफसीआई चरगावा, सेंट जोसेफ एफसी और पूर्वांचल एफसी की टीम।